स्वागत है दोस्तों आप सभी को टेक्यूराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रियलमी C2 या फिर किसी भी रियलमी के फ़ोन पर कैमरा सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहेगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे जो बताया था कैमरा सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं रियलमी के फ़ोन पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कैमरा सेटिंग और आप कैमरा को रिसेट कैसे कर सकते हैं ये दोनों ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो ठीक है कैमरा को ओपन कीजिएगा। तो कैमरा ओपन करके मैं आपको सबसे पहले कैमरा सेटिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा गियर आइकॉन पे, उसके बाद ये सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आप अपने फ़ोटो रेशो को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यदि आप 4.3 रखते हैं तो आपका स्क्रीन साइज़ में फ़ोटोज़ छोटा छोटा यहाँ पे आपको आएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप फ़ोटो रेशो में दोबारा जाइए और फुल स्क्रीन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन जो है फ़ोटो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं टाइमर का ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद टच टू टेक फ़ोटो, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों आप इसको चाहे तो इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, यूज़ गेस्चर टू टेक फोटो आप इसको भी चाहे तो इनेबल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको इनेबल करने के लिए आपको डेवलपर ऑप्शन यूज़ करना होगा। तो उसके बाद दोस्तों आते हैं वॉल्यूम बटन शटर, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों आप वॉल्यूम बटन से जो है पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रिड का ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर आप ग्रिड का मतलब तो समझते होंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको भी यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप साउंड को ऑफ करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और लोकेशन को भी दोस्तों आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों फ्लिप सेल्फी, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों फ्लिप सेल्फी जो है आप उसको भी चाहे तो इनेबल और डिसेबल यहाँ से ही कर सकते हैं। और दोस्तों आते हैं नीचे वाटरमार्क पे, ठीक है। तो वाटरमार्क जो है दोस्तों आप उसको रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं। यदि आप वाटरमार्क को दोस्तों एडिट करना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑथर में जाइए और आपका जो यहाँ पे फोटोग्राफर नेम है आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। तो यहाँ में दोस्तों वाटरमार्क की जो रिप्लेस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यदि रियलमी आते हैं वाटरमार्क पर तो आपका नाम जो है रियलमी की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। तो आप इन सब को सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों बात आते हैं यहाँ पर रीसेट करने के लिए, ठीक है। तो रीसेट का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। तो रीसेट करने के लिए दोस्तों आपको बैक करके जो है जाना होगा सेटिंग पर। तो सेटिंग पर जाइए, सेटिंग पर जाने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए और ऐप मैनेजमेंट को ओपन कीजिए। तो यहाँ में दोस्तों आपको कैमरा सर्च करना है। उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये ऑप्शन जो है इनेबल कर देना है, ठीक है, शो सिस्टम ऐप्स। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सर्च कीजिए कैमरा। तो आइए दोस्तों हम जो है कैमरा को देख लेते हैं। तो कैमरा को ओपन कीजिएगा और रीसेट करने के लिए दोस्तों स्टोरेज में जाइए और इसको क्लियर डाटा कर दीजिए। तो क्लियर डाटा करने से क्या होता है दोस्तों, आपका जो कैमरा होते हैं ठीक है वो रीसेट हो जाते हैं। तो यहाँ में दोस्तों आपका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इसी प्रोसेस से यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। यदि आपको कैमरा पर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो भी दोस्तों आप ये प्रोसेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका रियलमी के फ़ोन पर कैमरा सेटिंग और रीसेट सेटिंग। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।